नमो अरियंताय प्रणमो सिद्धाण नमो प्रणमो वज्रायण नमो सब सहसो पंच नमो सब सावकनास मंगलाणम के सभ्य संपन्न मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्वानां वंदे तद्गुणद्वये वंदे तद्गुणद्वये। उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र महाशास्त्र जो कि जैन परंपरा का सूचीबद्ध ग्रंथ है, लगभग सभी प्रकरणों का जिस ग्रंथ में समावेश किया है, उसके छठवें अध्याय में उन्होंने आठों कर्म के बंधन के कारण, आश्रम के कारण उनकी चर्चा की है। ये कर्म क्यों आते हैं, ये कर्म क्यों बंधते हैं, आखिर ऐसे कौन से कारण रहे जिनकी वजह से इन कर्मों ने आकर के बांधा, कौन बांधता है। कहा ये जीव स्वयं ही कर्मों को बांधता है। ये कैसे बांधता है, हम तो नहीं चाहते बांधना, फिर बांधते क्यों है। कहा ये हमारे चाहने से नहीं बांधते, लेकिन हमारी प्रवृत्ति चिंतन विचार से बांधते हैं, मन वचन काय की चेष्टाओं से बांधते हैं। और बांधते कैसे हैं, किस प्रकार के बनेंगे, कि जैसी मन वचन काय की प्रवृत्ति होगी, जैसा परिणाम होगा वैसा कर्म बंधेगा, और जैसा बंधेगा वैसा ही उदय में आएगा, अर्थात वैसा ही फल मिलेगा। तो इस जीव को जो भी फल मिलता है वो फल कर्म उदय के बल पर मिलता है, और उदय वही आता है जो बंधता है, और बंधता वही है जो ये जीव परिणाम करता है। हम यहां अनेक प्रकार के कर्मों के आश्रव के कारणों की चर्चा कर चुके थे, और आज अपने को लगभग इस चर्चा को पूरा करना है, क्योंकि कल अपने को प्रवचन में सम्यक दर्शन और भेद ज्ञान की बात करनी है। ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय, मोहनीय और आयु, इन पांच कर्मों तक की चर्चा हम अभी तक कर चुके हैं। अब नाम कर्म ये क्या चीज है, आयु कर्म क्या चीज है, शरीर में रहना, शरीर में रहने का काल, टाइम जिसके दम पर डिसाइड हुए उसका नाम आयु कर्म है। और नाम कर्म क्या काम करता है, कि जिससे शरीर की संरचना हो वो नाम कर्म है। देखिए आप, जितने जीव, जितने लोग दिखाई देते हैं, सब सैनी पंचेंद्री हैं, मनुष्य गति के जीव हैं, सबके आंख नाक कान हैं, दो हाथ दो पांव हैं, लेकिन किसी की शक्ल किसी से नहीं मिलती, सबकी शक्ल अलग अलग है। अकल अलग अलग होने का जो कारण है वो है क्षयोपशम, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म। माने ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म अकल अलग अलग होने का कारण है, कषायें और परिणाम भिन्न भिन्न होने का कारण है मोहनीय कर्म, उम्र भिन्न भिन्न होने का कारण है सबका अपना अपना आयु कर्म, संयोग और परिस्थितियां भिन्न भिन्न होने का कारण है सबका अपना अपना वेदनीय कर्म। ठीक है, किसके कार्य कैसे संपन्न हो, कितनी सहजता से हो और उसमें कितनी बाधा हो, उसमें निमित्त है अंतराय कर्म, और शरीर कैसा हो उसमें निमित्त है नाम कर्म। हम यहां नाम कर्म की चर्चा कर रहे हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा पतला है, लंबा चौड़ा है, किसी का वजन ज्यादा है, किसी का वजन कम है, कोई सुंदर दिखता है, कोई बदसूरत दिखता है, कैसा शरीर प्राप्त होना, उसके पीछे क्या कारण है। तो कहा आपने जैसा नाम कर्म किया होगा या आपके जैसा नाम कर्म बंधा होगा उसी अनुसार शरीर की व्यवस्था होती है।
देखिए कर्म की ये व्यवस्था हमारे को बहुत हद तक अपने उपयोग को शरीर से हटाने में सहयोगी होती है। कोई व्यक्ति ये बात कहे कि साहब आप ये कर्म की चर्चा कर रहे हो, कर्म की इस चर्चा से हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है, कर्म क्या करते हैं और कर्म कैसे बनते हैं, उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो भेद विज्ञान करना है। शांति भाई अपने तो भेद विज्ञान होना चाहिए। हम कहते किससे भेद विज्ञान करना है आपको, मूल भेद विज्ञान किससे करना है, तो जवाब सामने आएगा कि शरीर से भेद विज्ञान ही मूल भेद विज्ञान है। तो शरीर से भेद विज्ञान करने में भी ये कर्म वाला जो प्रकरण है ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले नाम कर्म समझ लें अपन। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, 93 प्रकृतियां। इसमें लिखा भी है आपके सामने जो पेज रखा है सबके हाथों में जो है, इसमें लिखा है जिस कर्म के उदय से जीव गति जाति शरीर आदि विविध पर्यायों का अनुभव करे उसे नाम कर्म कहते हैं। जैसे चित्रकार अनेक प्रकार के चित्र बनाता है, ये व्यवस्था है, ये ऑटोमेटिक व्यवस्था। चित्रकार जिस तरह से चित्र बनाता है उससे कहें कि ये जो चित्र आपने बनाया है ऐसा का ऐसा चित्र एक और बनाओ, तो वैसा सेम चित्र वो दोबारा नहीं बना सकता। एक बार जो चेहरा और आकृति जिसकी बना दी उसने, दोबारा यदि उसी चेहरे को कॉपी करने के लिए कहा जाए, मैं कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फोटोग्राफर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके वो तो सेम वैसी की वैसी कॉपी निकल जाएगी, लेकिन जो हाथ से पेंटिंग करने वाले हैं उनसे ये कहा जाएगी आप ये चित्र दोबारा बना दो, तो वो चेहरे में विविधता भिन्नता है बिना नहीं रहेगी। कोशिश करेगा वैसा का वैसा फेस दिखे, लेकिन फिर भी उसके हाव भाव एक्सप्रेशन आंख नाक कान कुछ ना कुछ उसमें फर्क जो है वो आए बिना नहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार जो नाम कर्म है, ये नाम कर्म जब रचना करता है, नाम कर्म के माध्यम से जब रचना होती है शरीर की, वास्तव में शरीर की रचना नाम कर्म से नहीं होती, शरीर की रचना में नाम कर्म निमित्त होता है। शरीर की रचना नाम कर्म से कैसे नहीं होती, इसलिए नहीं होती कि जो शरीर है वे आहार वर्गणा है और नाम कर्म जो है वो कारमान वर्गणा है। कर्म तो कारमान वर्गणा है ना, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहनी अंतराय वेदनी आयु नाम गोत्री, आठवों ही कर्म, कर्म परमाणु कर्म रज, ये कर्माण वर्गणाएं हैं। और जो ये शरीर है, ये शरीर कौन सी वर्गणा है, ये आहार वर्गणा है। तो आहार वर्गणा का कर्ता वो कर्माण वर्गणा नहीं हो सकती, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, कर्ता कर्म संबंध नहीं। तो नाम कर्म के निमित्त से शरीर की रचना होती है। अब कैसी रचना होती है शरीर की, क्या बनता है, कैसी आकृति होती है, क्या क्या मिलेगा इससे, या नाम कर्म के पास में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, ऐसा कह सकते हैं कि शरीर कैसा बनना है इसका कॉन्ट्रैक्ट नाम कर्म को दे दिया। मकान कैसा बनाना है तो हमने कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा और उसको जिम्मेदारी दे दी कि भैया ये मकान तुम्हारे को बनाना है, कैसा बनाएगा, कैसी व्यवस्थाएं होगी, कौन सी गति में जाना। अब आप कहेंगे गति तो आयु कर्म के बेस पर थी, मनुष्य त्रियंश देवनार की, कि नहीं, मनुष्य त्रियंश देवनार की ये 4 आयु कर्म भी है और ये 4 नाम कर्म भी है, नाम कर्म की प्रकृतियों में भी है। क्या फर्क है कि गति बदलती है लेकिन आयु नहीं बदलती। जीवन में गति बदलने का मतलब गति नाम कर्म बदलता है, बदलता रहता है। कब तक बदलता रहता है, जब तक आयु कर्म न बंधा हो तब तक बदलता रहता है। समझ में नहीं आया अभी आपके, मैं पता है ना नहीं आया तो अभी मैंने समझाया ही नहीं उसको, अभी अभी समझाता हूं। अभी देखिए आयु कर्म तो जीवन में एक बार बंधता है, जानते हैं सब, त्रिभाग में बनता है, कल अपन ने चर्चा की थी। नाम कर्म प्रति समय बंधता रहता है, जीवन पर बनता रहता है। नाम कर्म की जो 93 प्रकृतियां हैं उन प्रकृतियों में 4 गति भी है। क्या गति, जाति, शरीर, अंगोपांग,
निर्वाण, बंधन, संघात, ये सब जो है नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। तो इसमें गति नाम की जो प्रकृति है ये है मनुष्य त्रियंच देवनार की। जैसे क्योंकि देखिए कल अपन ने आयु कर्म की चर्चा की थी, नाम कर्म की बात करें, कर्म बदलता रहता है, परिणाम बदल रहे हैं, कभी ये नरक आयु नरक गति रूप परिणाम करता है, कभी त्रियंच गति रूप परिणाम करता है, कभी देवनार की गति रूप परिणाम करता है, अलग अलग तरह के परिणाम होते रहते हैं और बदलता रहता है। परिणामों की दशा बड़ी विचित्र है। जो कोई भी कर्म बंधता है उस कर्म बंधने में निमित्त इस जीव का खुद का ही परिणाम है, कोई दूसरा इसको नरक ले जाता नहीं है, कोई दूसरा स्वर्ग ले जाए ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये जीव स्वयं ही अपने परिणामों से स्वर्ग नरक और त्रियंच आदि गतियों की प्राप्ति करता है। प्रसन्न चंद्र नाम के एक मुनिराज हुए, परिणामों की बड़ी विचित्रता उनके जीवन में और उसके फल संबंधी प्रसंग आता है। भगवान महावीर स्वामी के समोह शरण में राजा श्रेणिक ने प्रश्न किया कि महाराज मैं अभी जिस रास्ते से लौट करके आया हूं यहां प्रवचन सुनने के लिए, दिव्य ध्वनि सुनने के लिए, मैंने रास्ते में एक मुनिराज के दर्शन किए थे, जिन मुनिराज के मैं दर्शन करके आ रहा हूं वे मुनिराज यदि अभी मरे मरण को प्राप्त हो तो मर के कहां जाए, क्या जवाब आया? सातवें नरक में जाए। अभी वो यदि मरे तो सातवें नरक में जाए। एकदम तो आश्चर्यचकित रह गया, मुनिराज के दर्शन करके आ रहा है और मुनिराज सातवें नरक में जाए, ये बात कुछ गले नहीं उतर रही। थोड़ी देर विचार करता रहा, समोह शरण में बैठा है, भगवान की दिव्य ध्वनि चल रही है। थोड़ी दो पांच मिनट विचार करने के बाद में फिर उसको शंका हुई, फिर पूछ लिया कहीं सुनने में गड़बड़ी तो नहीं हो गई, कि ये जो मुनिराज हैं जिनके मैं दर्शन करके आया था अभी यदि उनका जीवन पूरा हो, आयु पूरी हो, तो वे मर करके कहां जाएं? और भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में जवाब आया कि अभी यदि इनका जीवन पूरा हो जाए तो ये मर करके सोलहवें स्वर्ग में जाए। समझ में नहीं आई बात। अब देखिए जब एक ही जवाब होता है और यदि शंका न होवे तो वो उस बात को स्वीकार कर लेता है व्यक्ति, लेकिन जब दो बातें सामने आती है तो फिर तीसरी बात तीसरी बार पूछना जानना जरूरी हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप नोट की गड्डी गिन रहे हैं, 100 नोट है उसमें, पता नहीं कितने हैं, आपने उसे गिनना शुरू किया और गिनने पर वो 99 आए तो कोई बात नहीं, आप 99 मान लेंगे, गिन लिया हमने एक बार। लेकिन आपने यदि उसको दोबारा एक बार और गिना और दोबारा गिनने पर वो 98 आते हैं तो अब आप 99 मानेंगे कि 98 मानेंगे? तीसरी बार फिर गिनना पड़ेगा, बिल्कुल हो गया ऐसा, क्योंकि अब क्या करें। तो ऐसे ही राजा श्रेणी ने पहली बार पूछा तो जवाब मिला था सातवें नरक, दूसरी बार पूछा तो जवाब मिला सोलहवें स्वर्ग, अब तीसरी बार फिर शंका हुई कि दोनों में से बात सच्ची क्या है। तीसरी बार फिर उसने प्रश्न किया, दो एक मिनट विचार करके रुक करके तो जवाब मिला कि वो तो सर्वार सिद्धि में चले जाए, सर्वार सिद्धि में चले जाए। फिर कुछ देर बाद में सोचा कि अरे समझ में नहीं आया, चक्कर क्या है, भगवान दिव्य ध्वनि में ऐसा तो होता नहीं है, ये कुछ ना कुछ, ये कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस आ गया हो तो कभी कुछ शो करता है कभी कुछ शो करता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। कुछ देर बाद में देवों को वहां से उठ के जाते हुए देखा, पूछा कि देव लोग कहां जा रहे हैं, कि जिनकी तुम चर्चा कर रहे थे उन्हें केवल ज्ञान हो गया, रहा नहीं गया उससे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये बात कुछ गले नहीं उतर रही। उसने वापस पूछा, उसने ये सब क्या है, ये समझ में नहीं आया, एक बार पूछा तो आप सातवां नरक कहते हो, दूसरी बार सोलहवां स्वर्ग कहते हो, फिर सर्वार सिद्धि की बात करते हो, उन्हें केवल ज्ञान हो गया है, ये बात कुछ गले नहीं उतर रही। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में जवाब आया कि जब तुम पहली बार जब तुमने प्रश्न किया था और मुनिराज जहां बैठे थे उधर से दो लेडीज उन मुनिराज के पास में चर्चा करती हुई निकल रही थी, मुनिराज तो ध्यान में बैठे थे और दो महिलाएं उधर से बातें करती हुई निकल रही थी। ये क्या बातें कर रही थी? एक लेडीज ने दूसरी से कहा,
क्या कहा कि भाई ये जो है ना, ये जो बैठे हैं ये मुनिराज, ये अपने नगर के राजा थे थोड़े समय पहले, और ये तो दीक्षा लेकर के मुनि बन गए, अपने बेटे को राज्य दे दिया, लेकिन इनके मुनि बनने के बाद में पड़ोसी देश के राजा ने आक्रमण कर दिया। ये बात जैसे ही मुनिराज के कान में पड़ी, एकदम आंखें लाल हो गई, क्रोधावेश में आ गए। अच्छा, जब तक मैं राजा था तब तक तो उसकी आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं थी, अब मेरे मुनि बनने के बाद में वो छोटे से मेरे बेटे को देखकर उसने आक्रमण कर दिया। ऐसे परिणामों में यदि उनका मरण हो, आयु बंधे, तो कहां जाएं? साथ नरक में जाएंगे। लेकिन दो पांच मिनट बाद में ही उनके परिणाम संभले, विचार सुधरे। उनका कौन बेटा, किसका बेटा, किसका राज्य मुनि बनने के बाद में, ये कोई विचार करने योग्य बात है? परिणाम बदल गए, बारह भावनाओं का चिंतन चलने लगा, और उस बारह भावनाओं के चिंतन के काल में, वस्तु स्वरूप के चिंतन के काल में, उदय और स्वतंत्रता का चिंतन करते हुए यदि उनका जीवन पूरा हो गया, आयु कर्म बंधे, तो कहां जाए? सोलहवे स्वर्ग में जाएंगे। अब फिर उपयोग और स्थिर हुआ, और उपयोग उनका अपने आत्म स्वभाव में स्थिर हुआ। जैसे ही आत्म स्वभाव में उपयोग लगा, यदि उसी में लगे हुए में ही जीवन पूरा हो जाए तो सर्वार्थ सिद्धि में चले जाएं, और उपयोग बाहर निकला ही नहीं तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। माने कैसी विचित्रता है। अब लगेगा अपने को ऐसा कि साहब भगवान की दिव्य ध्वनि में तो ये सारी बातें पता थी, उनको तो भगवान को तो पता था ना, केवल ज्ञानी है वो, तो उनकी दिव्य ध्वनि में ऐसी बातें उल्टी सीधी कैसे आई? एक ही बात कह देते हो तो ये सब केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, 15 मिनट में इनको केवल ज्ञान होने वाला है कि नहीं। जिस समय उनके रागादि रूप परिणाम हो रहे थे, द्वेष और क्रोध रूप परिणाम थे, उस समय में उनके गति कर्म की दृष्टि से देखा जाए, ये नाम कर्म की दृष्टि से, तो नरक गति नाम कर्म उनके बन रहा था। उस समय में आयु बंधेगी तो वो गति नक्की हो जाएगी। आयु बंधने के बाद में गति परिवर्तित नहीं होती, लेकिन जब तक आयु न बंधे तब तक परिणामों के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। फिर जो आयु बंध जाती है जीवन के त्रिभाग में, तब वो जो नाम कर्म उस समय में जो चल रहा है, वो नाम कर्म रूप आयु बंध करके वो गति निश्चित हो जाती है। नहीं बात क्या है? कौन सी गति और आयु, इन दोनों में क्या फर्क है? गति नाम कर्म का भेद है जो 24 घंटे बंधता रहता है, आयु एक स्वतंत्र कर्म है जो जीवन में एक ही बार बंधता है। ठीक है, तो जो जीवन में एक ही बार बंधता है, ऐसा आयु कर्म जब बंधेगा उस समय में तत्काल में जो गति के परिणाम होंगे वो गति भी नक्की हो जाएगी। कौन सी गति में जाना नक्की होगा? तो मेरे साहब पहले ही की जो बांधी थी उनका क्या होगा? कभी तिरंज बांध रहा है, कभी देव बांध रहा है, कभी हाथी घोड़ा बिल्ली मनुष्य नारकी, ये जो अलग अलग बांध रहा है उनका क्या होगा? कि उनका आयु कर्म बंधान के बाद में कुछ काल बाद उनका स्तिभुक संक्रमण हो जाता है। स्तिभुक संक्रमण का अर्थ है पूरी तरह से वे कर्म परमाणु उसी रूप से बदल जाते हैं, जो गति नाम कर्म नक्की हुआ है, जो निश्चित हुआ है, उसी रूप से वे सारे के सारे बदल जाते हैं। ऐसी व्यवस्था होती है। तो अब शरीर कैसा मिलना, शरीर में कितने समय रहना, यह आयु कर्म का काम, और वो शरीर की अवस्था कैसी होना, यह नाम कर्म का काम। जब यह बात हमारे समझ में आती है कि शरीर की यह अवस्थाएं नाम कर्म के ऊपर डिपेंड करती है, तो फिर शरीर के लिए दिन रात लगे रहना, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। बोलो फिर क्या होगा? जब हमें पता लग जाएगा कि भैया ये जो है ना ऊपर से जो मैं लगाता हूं क्रीम पाउडर, इससे गोरे नहीं होते क्या? क्योंकि सुंदर दिखना यह शुभ नाम कर्म का काम है, शुभ नाम कर्म का काम है सुंदरता। आवाज कैसी होना, सुस्वर नाम कर्म या दुस्वर नाम कर्म का काम है। ऐसी दिखना कैसा,
यश प्रतिष्ठा होना के नहीं होना, ठीक है ना, अनुपूर्वी नाम कर्म, स्पर्श रस गंध वर्ण नाम कर्म, शरीर का जो चिकनाहट कितनी होना, बंधन कैसा होना, शरीर में हड्डियां कितनी मजबूत होना, जॉइंट्स में पेन होना कि नहीं होना, कब उनमें परिवर्तन होना, बाल कैसे होना, कब तक काले रहना और कब सफेद हो जाना, और काले से सफेद होंगे तो समझ लीजिए आधा काला और आधा सफेद, आंखें कैसी होना, आंखों की आकृति कैसी होना, और आंखों के जो क्या कहेंगे उसे इंस्ट्रूमेंटल जो पावर है वो कैसी होना, संरचना स्वरूप, क्योंकि देखने की शक्ति की यदि हम बात करेंगे तो वो तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के अंतर्गत चला जाएगा, क्षयोक्षम जन्य हो जाएगी, लेकिन हम जिस मशीन को काम में लेते हैं, आंख रूपी ये जो संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना की भी अपनी योग्यता होगी ना, वो नाम कर्म के ऊपर डिपेंड करती है। जब ये सारी बातें हमारे ख्याल में आती है तो हमारे दिमाग से भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थों का, अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन, शरीर की संभाल के लिए दिन रात उसके लिए लगे रहना, हिंसक वस्तुओं का प्रयोग करके उसको संभालना, उसे सुंदर दिखाने की चेष्टा, ये व्यर्थ की चेष्टाएं निकल जाती है हमारे उपयोग से। ये कितनी व्यर्थ की चेष्टा है बोलो, नहीं मैं मेंटेन करके चलता हूं, मैं संभाल करके चलता हूं। क्या संभाल करके चलते हो आप, क्या चलेगा आपके संभालने से, कुछ भी तो नहीं चलता है। हिलते हुए दांत को हम रोक नहीं सकते, झपकती हुई आंखों को हम रोक नहीं सकते, बोलो आप, कौन चाहता है दुनिया में कि अपने साथ प्रतिकूल परिस्थिति हो, लेकिन होती है कि नहीं होती है। दुनिया में कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि साहब मैं बीमार पड़ूं, मेरी तबीयत खराब हो, जुखाम हो, सर्दी गर्मी हो, बुखार आ जाए, बहुत समय हो गया। मैं तो कभी कोई सोचते हैं आप लोग कभी ऐसा, बहुत टाइम हो गया साहब, मैंने तो याद नहीं है कभी कोई गोली भी खाई हो दवाई की, तो अभी तो बहुत दिन हो गए, मन हो रहा है थोड़ा कभी कभी मन नहीं होता अपना ऐसा बहुत से कई लोग ऐसा कहते हुए दिखाई देते हैं, अरे साहब हमें याद नहीं है कि हमने जीवन में कभी एक दवाई की गोली भी खाई हो, इतना मेंटेन करके चलते हैं हम शरीर को कि आप जो मेंटेन करके, और दूसरे दिन ही पता लगता है उनके दस्त लग गए आज तक 40 साल से उन्होंने कभी कोई दवाई नहीं खाई थी, क्या हो गया ये, कि क्या हो गया साहब, लोग ऐसी बात, आप रोज रोज बीमार क्यों पड़ जाते हो, मैं क्या करूं, मैं थोड़ी ना चाहता हूं बीमार पड़ना, ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है। दुनिया में कोई व्यक्ति इस बात को चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बिना चाहे हुए भी इस शरीर की अवस्थाएं किसके कंट्रोल में चल रही है, ये नाम कर्म ये कहता है कि भैया तुम अपने उपयोग को इस शरीर से हटाओ और अपने स्वभाव में लगाओ, कि साहब कैसे चलेगा शरीर, कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपकी ये सारी व्यवस्थाएं सारी जिम्मेदारी बहुत दृढ़ता से ईमानदारी से संभाल रखी। ये कहता है मुझे भरोसा नहीं है नाम कर्म पर, कि क्या पता कैसी व्यवस्था करे, मेरे को खुद को मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं, थोड़ा बहुत मैं यदि एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो क्या होगा, मैं कसरत नहीं करूंगा, योगा प्राणायाम नहीं करूंगा तो शरीर कैसा चलेगा, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, सब संभालना पड़ता है, तेल मालिश करना, और क्या खाना, कब खाना, कितना अपन हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहते हैं, अपने को कैसा लगता है कि नहीं नहीं बहुत बहुत सावधानी, नहीं नहीं ज्यादा तेल मिर्च का नहीं होना चाहिए, ज्यादा घी नहीं होना चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज बिल्कुल किनारे पर है तो अपने को पहले से ही कंट्रोल करके चलना चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है अटैक आ जाएगा, कितना पहले के जमाने में क्या होता था। आज तो देखो आप साल में एक आध बार तो अपने को लगता है कि फुल चेकअप करवा ही लेना चाहिए अपने को, बिना किसी प्रॉब्लम के भी नहीं नहीं चेक करवा लेना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो ये नाम कर्म ये कह रहा है कि आप ध्यान रखो चाहे नहीं रखो, आपके ध्यान रखने की अपेक्षा नहीं है हमारे को बिल्कुल भी, आप यदि ध्यान नहीं रखोगे तो भी व्यवस्था वैसी ही होगी जैसी मैं चाहूंगा, व्यवस्था मेरे पास में है। शरीर कैसा मिलना, देखो सबसे पहले नंबर कहा गति, क्या सूत्र दिया है उमा स्वामी आचार्य देव ने, नाम कर्म की 93 प्रकृतियां बतलाई है तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय में, और उन प्रकृतियों की यदि अपन चर्चा करें कि किस प्रकार की वे प्रकृतियां हैं और नाम कर्म से क्या क्या व्यवस्थाएं होती है, तो फिर हमारे को बात समझ में आती है कि अरे अरे मैं जबरदस्ती अपने उपयोग को बर्बाद कर रहा था इस चीज के लिए। सबसे पहले नक्की हुई गति,
गति नाम कर्म, मूल सूत्र है उमा स्वामी आचार्य का, गति जाति शरीरांग उपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्य गुरुप लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गति है प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यश कीर्ति सेत्राणी तीर्थकर पंचे। तीर्थंकर नाम कर्म जो प्रकृति है वो भी इस नाम कर्म के ही भेद के अंतर्गत शामिल है। कितनी बातें कह दी, 93 प्रकृतियां बतलाते हुए। सबसे पहले गति नक्की हो, कौन सी गति में जाएगा। आयु कर्म ने नक्की कर दिया और गति नाम कर्म ने शरीर बतला दिया कि भाई इसका जो शरीर मिलेगा ये त्रियंच शरीर मिलेगा इसको। अब त्रियंच शरीर में एकेंद्रीय होना कि पंचेंद्रीय होना, जाति नाम कर्म बतला दिया। दूसरा, सबसे पहले तो एक जनरल बात कह दी कि त्रियंच गति कर्म बंधा है तो त्रियंच शरीर धारण करेगा। अब त्रियंच में इसका एकेंद्रीय शरीर होगा कि दो इंद्रिय विकलत्र का होगा कि पंचेंद्रीय का होगा, तो कहा यह जाति नाम कर्म का काम है। फिर शरीर नाम कर्म, शरीर नाम कर्म ने नक्की किया कि शरीर कैसा मिलेगा इसको। त्रियंच है तो औदारिक मिलेगा, मनुष्य है तो औदारिक मिलेगा, देवनार की है तो वैक्रियक शरीर मिलेगा, तो शरीर नाम कर्म से कैसा मिलेगा। और अंगोपांग नाम कर्म ने नक्की किया कि शरीर तो मिलेगा लेकिन अंगोपांग नाम कर्म से उसके अंगों की रचना कैसे, अंगोपांग आदि की रचना होनी। निर्माण नाम कर्म से कैसा निर्माण होना है, उसका बनना किस प्रकार से है, निर्माण बंधन संघात संस्थान ये सब कैसा रॉ मेटेरियल उसके लिए यूज में लिया जाना है। किसी का सहनन बहुत होता है, अच्छा होता है, किसी का सहनन बहुत खराब होता है। किसी का सहनन तो ऐसा है कि वो बहुत सर्दी गर्मी आदि भी बरसात बर्दाश्त कर सके, और किसी का सहनन ऐसा दिखाई देता है जो बिल्कुल सर्दी गर्मी आदि बर्दाश्त नहीं कर सके। शारीरिक अवस्था कैसी होनी, तो ये शारीरिक अवस्था किस पर निर्भर कर रही है, किन कर्मों के ऊपर निर्भर कर रही है। निर्माण, निर्माण में यूज में लिए जाने वाले मेटेरियल पुद्गल परमाणु, फिर उन पुद्गल परमाणुओं का बंधन और संघात, माने बंधन का मतलब है जुड़ना, संघात का मतलब है और अधिक उसमें दृढ़ता प्रदान करना, जैसे मानो प्लास्टर जैसा। संस्थान शब्द का अर्थ होता है आकृति, सहनन कितनी मजबूती है, कैसा सहन कर सके, सहन शक्ति कितनी है। सबकी सहन शक्ति अलग अलग है, कोई थोड़ी सी हवा लगती है किसी को लू लग जाती है, थोड़ी सी हवा में किसी के नाक से टप 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 नाला बहने लगता है। शरीर की स्थिति किसकी कैसी हो, सबकी प्रकृति एक जैसी नहीं होती। कोई व्यक्ति ज्यादा देर बैठे रहते हैं तो उनका पैर सो जाता है, ज्यादा देर खड़े रहते हैं तो पैरों में दर्द होने लग जाता है। स्थिति अलग अलग प्रकार की है। फिर उसका स्पर्श गंध वर्ण कैसा हो, श्वासोच्छ्वास कैसा हो, प्रत्येक शरीर है कि साधारण शरीर है, त्रस है कि स्थावर है, सुभग है कि दुर्भग है। सुभग और दुर्भग का मतलब क्या होता है, ये भी नाम कर्म की ऐसी प्रकृतियां हैं। सुभग का मतलब है अच्छा लगना, कोई व्यक्ति भले काला हो और भले ही बहुत सुंदर नहीं हो लेकिन फिर भी लोगों की तरफ से वो आकर्षित रहता है, मतलब लोग उसे चाहते हैं। तो ये क्या चक्कर है, ये इतने काले और ऐसे होते हुए भी लोग कैसे चाहते हैं कि सुभग नाम कर्म का उदय हो, तो लोग चाहते हैं, और दुर्भग नाम कर्म का उदय हो तो दुर्भग दूर भगाते हैं। कितना भी सुंदर हो, बहुत सुंदर है और अपने आप को ऐसा समझें कि जैसे मेरे समान कोई दूसरा सुंदर नहीं है, लेकिन लोग नहीं पसंद करते, ये दुर्भग, सामने देखना पसंद नहीं करे, साथ में रखना पसंद नहीं करे, बोलना पसंद नहीं करे, दुर्भग नाम कर्म का उदय होवे तो ऐसी परिस्थिति बनती है। इसी तरह से दुस्वर और सुस्वर, अपनी आवाज अच्छी करने के लिए कितना भी प्रयास करता रहे अपन, लेकिन जैसे कर्म का असंख्यात लोक प्रमाण भेद पड़ते हैं इनमें भी। ये कर्म प्रकृतियां तो बहुत स्थूल दृष्टि से बतलाई गई है, इन कर्म प्रकृतियों के पीछे जो परिणाम है, क्योंकि प्रति समय परिणाम भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं तो उसके कारण बंधने वाला कर्म भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। ऐसे ही शुभ और अशुभ, शुभ मतलब सुंदर और अशुभ मतलब बदसूरत। अब देखिए अशुभ नाम कर्म का उदय चल रहा है, अब अशुभ नाम कर्म के उदय में आप ऊपर से कितनी भी लिपापोती करो, ऊपर से है ना,
चमकाने की कोशिश करो आप, नहीं क्या होगा, नहीं चमकेगा, कहां से चमकेगा। अंदर में जैसे कर्म का उदय होगा, व्यवस्था तो उसी प्रकार की होगी ना। हमारे सारे प्रयास दिन रात सुबह से शाम तक ऐसे ही होते रहते हैं। बोलो, थोड़ा सा शरीर में एकाध कोई फोड़ा फुंसी भी कुछ हो जाए तो आप देखिए कितना चिंतित रहता है, और वो कदाचित फेस पर हो जाए तो फिर देखता रहता है बार बार, मैं क्या लगाऊं, अच्छा नहीं लग रहा है, सुंदर नहीं दिख रहा है, कितना बुरा लग रहा है, कितना उसके विचार परिणाम चलते रहते हैं उस बात के बारे में। यहाँ ये कह रहे हैं कि आपके परिणाम जैसे चलेंगे उस अनुसार कर्म बंधेगा। इन कर्मों की जो गति है, कर्मों की जो बंधने की चाल है, ये बड़ी विचित्र होती है। तो यशय कीर्ति अयशय कीर्ति भी प्रकृति है, यशस और अयशस, प्रशंसा और निंदा। मैं कह रहा हूं कि इन कर्म प्रकृतियों के बंधने के पीछे इस जीव के परिणाम निमित्त है। और कैसे परिणामों से कैसा बंधता है, आपके यदि सुंदर दिखने के परिणाम है तो बदसूरत नाम कर्म बंध रहा है, यश प्रतिष्ठा चाहने के परिणाम है तो अपयश कीर्ति बन रहा है। कैसे बनती है, क्योंकि कर्म बहुत होशियार है, आप जैसा सोचते हैं उसके विपरीत कर्म बंधता है, ऐसी स्थिति होती है। आप यदि ये चाहते हैं कि मैं सुंदर दिखूं, बहुत सुंदर दिखना चाहिए, तो बदसूरत नाम कर्म बन रहा है। आप चाहते हैं मेरी आवाज कैसी अच्छी हो, काश मेरी आवाज अच्छी हो जाए, आवाज अच्छी हो जाए, आपकी उस आवाज के प्रति लगाव और जुड़ान ये दुस्वर नाम कर्म को आपकी तरफ आकर्षित कर रहा है। साधु साहब ने अच्छा बतला दिया, तो आप तो ऐसा सोचेंगे हम अच्छा दिखना है ना, तो बुरा सोचे। ये जो मायाचारी के परिणाम है, इन मायाचारी के परिणामों को भी वे कर्म तुरंत पकड़ लेते हैं। इसलिए सहज निर्वांचक वृत्ति से, निर्विकल्प वृत्ति से इन बातों को स्वीकार करें, तदनुसार वो कर्म भी बनते हैं। इसलिए शरीर की तरफ से निश्चिंत करने वाला, देह की तरफ से हमारे उपयोग को हटाने वाला, देह की तरफ से हमारी दृष्टि हटाकर, अब देह से दृष्टि हटेगी तो कहां जाएगी, ये स्वभाव की तरफ जाएगी। नाम कर्म ने कितना निश्चिंत कर दिया हमारे को, कि आपको कान की तरफ से चिंता करने की जरूरत नहीं है, आंखों की तरफ से चिंता करने की जरूरत नहीं है, शरीर का मोटापा बढ़ रहा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, और कम हो रहा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम कितने चिंतित रहते हैं, दिन रात डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, भागते हैं, डॉक्टर साहब वजन कैसे कम हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा, मतलब आज के जमाने में हेल्थ कोई नहीं चाहता, सब बिल्कुल स्लिम रहना चाहते हैं, बिल्कुल कैसे शरीर वजन कैसे कम हो, वजन बढ़ रहा है थोड़ा सा ऐसे लगता है, कैसे कम हो, ये तुम्हारे करने से होगा ही नहीं, तुम क्यों बिना मतलब के विकल्प कर रहे हो, ये व्यर्थ के विकल्प हैं, ये मूर्खतापूर्ण विकल्प। आचार्य देव कह रहे हैं जिसमें तेरी चलती नहीं है तो जबरदस्ती उसमें चलाने का प्रयास करता है, बंधता कैसे कर्म। तो इन्होंने कहा योग वक्रता विसंवादनम से अशुभस्य नामने, योगों की वक्रता, मन वचन काय की चेष्टा, उल्टी सीधी चेष्टा, विकृति, ये अशुभ नाम कर्म को बांधता है, और योगों की सरलता ये शुभ नाम कर्म का बंधन करता है। मन वचन काय आपके सरल है कि मन वचन काय दुर्लभ है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसा कर्म बनेगा। तो नाम कर्म ने हमारे को बहुत हद तक निश्चिंत करने का प्रयास किया। मैं समझता हूं कि ये नाम कर्म को सुनकर हमारी बुद्धि, हमारा उपयोग शरीर से निश्चित रूप से हटना चाहिए, न काले से गोरा होने के लिए, न देखो काले और गोरेपन का भी बड़ा चक्कर है, चेहरा तो गोरा चाहिए और बाल काले चाहिए आपको गोरापन पसंद है तो बाल सफेद क्यों नहीं पसंद है, बाल सफेद हो और चेहरा काला हो तो पसंद नहीं है। चेहरा गोरा करना चाहता है और बाल काले करना चाहता है, लेकिन भैया इसका स्वरूप जो है वो बिल्कुल तेरे कंट्रोल में नहीं है, ये शरीर तेरे कंट्रोल से बाहर है, कोई है ऐसा जो इसका कंट्रोल करने वाला है, कोई है ऐसा जो इस व्यवस्था को संभालने वाला है, जिसके पास में पूरी व्यवस्था है, माने वो ऐसी व्यवस्था करता है कि देखो नहीं साहब यदि नामकरण ने कुछ गड़बड़ कर दी तो ना, मैं तो चाहता तो कुछ और हो, नामकरण ने कुछ बिगाड़ दिया तो शरीर थोड़ा ध्यान नहीं रखो तो बिगाड़ देगा, ये बिल्कुल नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि किंचित कम भी नहीं और किंचित अधिक भी नहीं, ऐसा ईमानदार है ये सब कर्म। संवाद का मतलब क्या होता है,
विसंवाद का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ उनमें विरूपता, मायाचारी जैसा एक दूसरे के प्रति उल्टा सीधा मन में कुछ वचन में कुछ ऐसा विसंवाद। और जहां सरलता हो वह शुभ नामकरण के आश्रम का कारण है। इस तरह से ये नाम कर्म की प्रकृतियों के संदर्भ में बतलाया है। लेकिन इसमें जो बंद के आश्रम के जो कारण कहे हैं, इसमें लिखा है मन की सरलता, वचन की सरलता, काय की सरलता और विसंवाद रहितता। और इधर ऐसा कह दिया है अशुभ नाम कर्म में मन की वक्रता, वचन की वक्रता और काया की वक्रता और निसंवाद युक्तता, वही सरलता के अर्थ में ही है। और शुभ नाम फल के 14 प्रकार बतला दिए नीचे, स्थिति बतला दी जगन्य 8, मुहूर्त और उत्कृष्ट 20, कोड़ा कोड़ी सागरूपम, अबाधा काल अंतर्मूर्त और 2000 वर्ष। तो इस तरह से नाम कर्म भी भेद विज्ञान की सिद्धि में सहयोगी होता है और हमारे उपयोग को अपने स्वभाव सम्मुख करने के लिए साधक ही होता है, बाधक नहीं होता। ये तो बात सही है कि अपन शरीर की वो नहीं करें, मगर शरीर अच्छा है तो आपका मन भी अगर ध्यान में लगना है तो शरीर अच्छा होगा तभी मन ध्यान में लगेगा, तो उसके लिए कर्म ज्यादा जरूरी है। या तो आपका पुरुषार्थ शरीर के प्रति नॉट की अच्छा दिखने के लिए नहीं, समझ गया समझ गया। एक वाक्य चलता है, सूत्र चलता है जगत में, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सुना आपने? धर्म साधन जो है वो शरीर से होता है, इसलिए शरीर को भी संभाल करके रखो, पहले शरीर को संभालो और फिर उसके बाद में धर्म साधन हो सकेगा। आप यदि खाने पीने का ध्यान नहीं रखोगे तो धर्म भी नहीं कर सकोगे। लोग ऐसा कहते हैं अपने घरों में इस तरह की चर्चा करते हुए लोग मिल जाएंगे आपको, अरे साहब आप ध्यान नहीं रखते हो धर्म के चक्कर में, और फिर आप धर्म भी नहीं कर पाओगे। आपको धर्म करना है तो शरीर भी संभालना पड़ेगा, आपको खाने पीने का ध्यान रखा करो। आप ध्यान नहीं रखोगे तो फिर कैसे होगा, बताओ? कैसे तो मंदिर जाओगे, कैसे व्रत उपवास आदि करोगे, कैसे? जब तक शरीर स्वस्थ है तो सब काम हो सकता है, शरीर स्वस्थ नहीं है तो कोई काम नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से ये बात बतलाना चाहता हूं कि जिस धर्म की हम बात समझ रहे हैं वो व्यवहार धर्म है। निश्चय धर्म की चर्चा मैंने एक आध दिन पहले भी ये बात कही थी, आप शायद नहीं थे। माने धर्म स्वाधीनता और स्वतंत्रता का नाम है। धर्म देह के पराधीन नहीं है। शरीर की पराधीनता यदि धर्म करने के लिए होवे तो फिर तो हम तो अधीन हो गए कर्मों के। धर्म में पुरुषार्थ की प्रधानता है, ठीक है, और लौकिक दृष्टि से धर्म की प्रधानता है। तो शरीर स्वस्थ रहना के नहीं रहना उससे धर्म का संबंध नहीं है। ऐसा बैठा ही नहीं जाएगा तो क्या धर्म करोगे? अरे धर्म बैठने के अधीन है क्या? यदि नहीं बैठा जाए तो धर्मात्मा नहीं हो सकते क्या? ये नहीं साहब मंदिर नहीं आ पाएंगे, तो नहीं आ पाएंगे तो क्या हो गया? मंदिर नहीं आ पाएंगे तो फल क्रिया की अपेक्षा से परिणामों का विशेष लगता है, इसलिए परिणामों को संभालना क्रिया की अपेक्षा से। हमारे परिणाम कहाँ है, हमारा उपयोग कैसा है? देखिए शरीर के प्रति उपयोग है तो वो तो वैसे ही अशुभ उपयोग है, वैसे ही पाप उपयोग है। आप धर्म करने का बहाना बनाकर शरीर में उपयोग को भरमाना चाहते हैं तो इसका मतलब धर्म करने के बहाने वर्तमान में आप पाप कर रहे हैं। उपयोग शरीर की तरफ जा रहा है तो पाप भाव है ना, और शरीर से हटकर संयोगों और वैभव से हटकर परिवार से हटकर देश समाज से हटकर जब पंच परमेष्टियों की तरफ बढ़ने लगता है तो अशुभ से शुभ की तरफ जा रहा है उपयोग। और पंच परमेष्टियों की तरफ बढ़ते बढ़ते जब पांचों परमेष्टियों में जो एक कॉमन है, क्या कॉमन है? सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। अरिहंत भी आत्मा की अवस्था है, सिद्ध भी आत्मा की अवस्था है, आचार्य उपाध्याय साधु भी आत्मा की अवस्था है। तो इस तरह से सबको आत्मा की अवस्था जान करके पंच परमेष्टियों की शरण लेकर जब अपने आत्मा की शरण ली जाती है तो फिर पंच परमेष्टियों का अवलंबन भी छूट जाने से शुभ भी छूट जाता है और शुद्धोपयोग हो जाता है, तब असली धर्म प्रकट होता है। मुझे बतलाइए धर्म आत्मा में होगा कि शरीर में होगा? आत्मा में होगा ना धर्म। आत्मा का स्वभाव धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है। वस्तु सहाओ धम्मो,
वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं ना, तो वो धर्म वस्तु में होता है कि बाहर में होता है? धर्म मंदिर में होगा कि वस्तु में होगा? तो कौन सी वस्तु में धर्म होगा? क्या आत्म वस्तु में? वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, तो फिर प्रत्येक वस्तु धर्मात्मा है ही। फिर अब धर्म करना है फिर क्या मतलब रहा? यदि प्रत्येक वस्तु स्वभाव से धर्मात्मा है तो फिर धर्म करना है, इस वाक्य का क्या औचित्य रहेगा? तो देखिए फिर कहा आचार्यों ने कि नहीं, प्रत्येक वस्तु स्वभाव से तो धर्मात्मा है, लेकिन जो व्यक्ति अपने उपयोग में उस स्वभाव को स्वीकार करता है वो पर्याय में धर्मात्मा हो जाता है, और जिसे उस वस्तु स्वभाव की खबर नहीं होती है वो धर्मात्मा नहीं रहता, वो पापी बना रहता है। तो अपने स्वभाव की खबर हो कि मेरा स्वभाव कैसा है, वस्तु का जो स्वभाव है मूल स्वभाव उसे छोड़ करके बाहर नहीं होता। जब बाहर होता नहीं है तो बाहर में धर्म कैसे होगा? फिर मंदिर में धर्म कैसे होगा? फिर शरीर में धर्म कैसे होगा? फिर प्रवृत्तियों में धर्म कैसे होगा? फिर पूजन पाठ स्वाध्याय आदि में धर्म कैसे होगा? आप सोचिए, यदि पूजन करने में धर्म हो तो फिर जो व्यक्ति पूजन नहीं करते वे धर्मात्मा नहीं होंगे। अपन नक्की करें इसका, कि पूजन करने में यदि धर्म है, आरती करने में धर्म है, स्वाध्याय करने में धर्म है, प्रवचन सुनने सुनाने में धर्म है, तो जो प्रवचन सुनते नहीं, सुनाते नहीं, आरती करते नहीं, पूजन करते नहीं, ऐसे कौन अपने से ऊपर लेवल वाले धर्मात्मा माने मुनिराज? मुनिराज करते हैं पूजन? धर्मात्मा है कि पापी है? तो वो तो पूजन ही नहीं करते, वो कैसे धर्मात्मा है? लेकिन पूजन करने से धर्मात्मा नहीं होते, ख्याल में आ रही है बात? माने जो प्रवृत्तियां उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अवस्था में पाई जाए वही असली धर्म हो सकता है। जो छूट जाए वो धर्म कैसा? देखो ऐसा लगाइए आप, जो छूट जाए वो धर्म नहीं, और जो धर्म होता है वो छूटता है। धर्म छोड़ने लायक नहीं, और जो छोड़ने लायक वो धर्म नहीं। उपवास करते रहना कि नहीं, व्रतादि का पालन करते रहना कि नहीं, छूट जाएगा कब तक पालन करेंगे? अरे शरीर ही छूट जाएगा तो शरीर की अवस्था को हम धर्म कैसे कहें? सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होगी तो शरीर रहेगा कि नहीं? सिद्ध दशा में तो शरीर भी नहीं होता, सिद्धों के, सिद्ध परमात्मा के शरीर भी नहीं होता, और जिन सिद्ध परमात्मा की शरीर नहीं है वो सर्वोत्कृष्ट धर्मात्मा है जगत में, इस लोक में, लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हुए हैं। तो सिद्ध बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, सिद्ध बनने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। पूजन करते हो तो पूजन करना छोड़ना पड़ेगा, मंदिर आते हो तो मंदिर आना छोड़ना पड़ेगा, स्वाध्याय करते हो तो स्वाध्याय करना छोड़ना पड़ेगा, जो भी आपकी प्रवृत्तियां होती है, व्रत उपवास आदि नियम सही, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा सिद्ध बनना है तो और कपड़े भी छोड़ने पड़ेंगे और शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। अच्छा बतला है, हम तो जबरदस्ती इतना डेढ़ घंटे की ड्राइविंग करके आए, पहले ही बता देते हमारे को तो हम पहले ही छोड़ देते कि नहीं नहीं, ये छोड़ने के पहले आपको पाप छोड़ना पड़ेगा। क्रम है, देखो आप, पाप भी छोड़ने योग्य है, पुण्य भी छोड़ने योग्य है, अशुभ भी छोड़ने योग्य है और शुभ भी छोड़ने योग्य है, लेकिन अशुभ और शुभ में से दोनों में से पहले क्या छोड़ना? यदि इस क्रम का ध्यान नहीं रखा और पहले शुभ छोड़ दिया तो फिर अशुभ कभी भी नहीं छूटेगा। जैसे मान लीजिए अपन लोग यहां से बाहर निकलेंगे, अभी जब मंदिर से निकलते हैं, घर से भी निकलते हैं, तो घर की लाइट्स भी बंद करते हैं और घर के लॉक भी बंद करते हैं, दोनों बंद करते हैं। हमने आपसे पूछा लाइट्स बंद करने योग्य है कि लॉक लगाना योग्य है, दोनों में से क्या चीज बंद करने लायक है जब हम वहां से घर से सब लोग निकल करके मंदिर आ जाएं तब? दोनों ही बंद करना है, पक्का दोनों ही बंद करना है। और पहले ताला बंद करें कि पहले लाइट बंद करें? क्या यदि आपने पहले ताला बंद कर दिया, तो बंद करने योग्य तो दोनों ही है जी, कोई भी पहले और कोई भी बाद में क्या फर्क पड़ता है उसमें? आपने पहले यदि ताला बंद कर दिया तो इसका मतलब लाइट अब बंद होगी ही नहीं, ये मान के चलिए आप। तो क्रम क्या है कि पहले आप लाइट बंद करें और फिर ताला बंद करें, यही क्रम है। यदि इसी प्रकार कि साहब शुभ भी छोड़ने योग्य है और अशुभ भी छोड़ने योग्य है,
तो दोनों ही छोड़ने योग्य है। तो एक काम करो, अपन पहले ये छोड़ दो ना, इसमें थोड़ी परेशानी लगती है। तो मंदिर आना, कितने झंझट के, आज की लाइफ कितनी अपनी फास्ट है, इतनी फास्ट लाइफ में बड़ी मुश्किल से इतने कामों में अपन उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं, तो वो सब तो छोड़ना मुश्किल है, लेकिन ये सब ये पहले छोड़ सकते हैं और छोड़ता भी है पहले ही। देखो आप, यदि आपके बिजनेस में लॉस लग जाए तो सबसे पहले किस चीज में कटौती होगी, किस चीज को कम करेंगे आप? दान में कमी होती है सबसे पहले, क्योंकि वो तो बिना मतलब की चीज है, काम खाई दे रहे हैं अपन। और इसी तरह से हमारे देखो, बिजनेस में घाटा लगता है तो दान में कटौती करता है, और समय में घाटा लगता है तो इन चीजों में कटौती करता है। सब आपके पास में टाइम कम मिलने लगा तो आप सबसे पहले क्या चीज बंद करेंगे? नहाना बंद करेंगे कि खाना बंद करेंगे कि मंदिर आना बंद करेंगे? मंदिर तो क्या फालतू की चीज है, फिर फुर्सत में होगी तो देखेंगे क्या? न्यूज़पेपर पढ़ना बंद नहीं हो सकता, पहले ये स्वाध्याय करना बंद होगा, समय में कमी आएगी तो। कैसी स्थिति है, कैसा स्वरूप है जगत का, बड़ी विचित्रता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पहले यदि आपने शुभ छोड़ दिया तो वो पाप और अशुभ बिल्कुल नहीं छूटेगा आपके जीवन में। इसलिए सबसे पहले हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जो जैसा संभव हो सके, पांच प्रकार के पाप, स्थूल पाप का त्याग करें, फिर सूक्ष्म पाप का त्याग करें। मतलब जब पाप छूटेगा और पाप छूट करके शुभभाव चलने लगेंगे, शुभोपयोग होने लगेगा, फिर शुभोपयोग में आने के बाद फिर कहेंगे अब यहां भी अटकना योग्य नहीं है, इससे भी ऊपर चढ़ना योग्य है, फिर शुभ को छोड़ करके शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो। तो जब तक इस क्रम का भान न होवे तब तक गड़बड़ हो जाती। बहुत सारे लोग ऐसे तर्क करते हैं साहब कि साहब आप पुण्य और पाप दोनों को छोड़ने योग्य कहते हो, ये बात जचती नहीं है साहब। नहीं साहब, ये तो वास्तव में आप लोग तो जो है ना स्वच्छंद ही बना दोगे, लोग पहले ही मंदिर नहीं आते और फिर ऐसी बात करोगे। मैं साहब, उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। हम स्वाध्याय के बारे में आपको कह रहे हैं कि ये भी विकल्प है, तो निर्विकल्प होने के लिए कह रहे हैं, स्वाध्याय छोड़ने के लिए नहीं कह रहे। देखो इसको भी यदि भाषा बदले अपन थोड़ी सी, तो ऐसा कहा जा सकता है छोड़ना और छूटना। पाप छोड़ते हैं बुद्धिपूर्वक और शुभ भाव और पुण्य छूटता है अबुद्धिपूर्वक। जब भूमिका बढ़ती है, स्तर बढ़ता है, तो ये पुण्य और शुभ भाव भी छूट जाते हैं, छोड़े नहीं जाते, छूट जाएंगे धीरे धीरे करके, उससे भी निवृत्ति हो जाएगी। फिर कहेगा कि अब ये पढ़ने में भी उपयोग नहीं लगता, अब तो अपने चिंतन करें ज्यादा से ज्यादा। खूब पढ़ लिया, कब तक पढ़ते रहेंगे? चिंतन लगाता है, हाथ पे हाथ धर करके बैठता है, विचार चिंतन करता रहता है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब संकट सहा करे। तारे भावना की पंक्ति, मेरी भावना की अंतिम पंक्ति है ना, वस्तु स्वरूप का विचार, यही इस जीव को सुखी कर सकता है। माने असली धर्म, जिसे धर्म कहा गया है, जिस धर्म की आप बात कर रहे हैं, जिस धर्म के बारे में आप कह रहे हैं कि साहब शरीर को भी संभालना तो पड़ेगा, बिना शरीर को संभाले हुए फिर धर्म भी तो नहीं कर पाएंगे, कि आप पहले ये नक्की करो कि धर्म कहते किसको हैं आप। क्योंकि जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि धर्म किसे कहते हैं, तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमें करना क्या है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय धर्म है ना। सम्यक दर्शन कहां होता है? बहुत सभा में पूछता हूं मैं जब 50-100 लोग, 200-500 लोग बैठे हूं सभा में, एक भी व्यक्ति से पूछो आप सम्यक दर्शन कहां होता है, थोड़ा बहुत भी जिसने पढ़ा है वो फटाफट जवाब देता है, सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय है, आत्मा में होता है। फिर मैं पूछता हूं सम्यक ज्ञान कहां होता है, तो सम्यक ज्ञान भी ज्ञान गुण की पर्याय है, वो भी आत्मा में होता है। फिर मैं कहता हूं कि सम्यक चारित्र कहां होता है, सम्यक दर्शन आत्मा में होता है, सम्यक ज्ञान आत्मा में होता है, लेकिन जब सम्यक चारित्र की चर्चा चलती है तो तुरंत हम ये देखते हैं कि कैसे उठता बैठता है, क्या खाता पीता है, कैसे चलता है। माने चारित्र शरीर में क्यों दिखता है? दर्शन आत्मा का गुण है, ज्ञान आत्मा का गुण है, तो चारित्र शरीर का गुण है कि आत्मा का गुण है? चारित्र भी आत्मा का गुण है ना, श्रद्धा और ज्ञान आत्मा का गुण, और चारित्र भी आत्मा का गुण, तो श्रद्धा और ज्ञान आत्मा में होते हैं और चारित्र शरीर में होता है, कैसी मूर्खता की बात कर रहा है। तो जब जब चारित्र की चर्चा चलती है तो हमारे को खान पीन क्यों दिखता है?
जब जब चरित्र की चर्चा चलती है तो हमारे को ये क्यों दिखता है कि इसने क्या क्या नियम ले रखे हैं। अवक्ष्य तो नहीं खाता है, कितनी मर्यादा का खाता है, ये बात क्यों दिखती है हमारे को? जब परिणामों की निर्मलता होती है तो बाह्य प्रवृत्ति भी उत्कृष्ट होती है, नो डाउट, उसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। बाहरी प्रवृत्ति भी अच्छी होगी, लेकिन वो प्रवृत्ति शरीर की क्रिया है, वो जड़ की क्रिया है, वो धर्म नहीं है। तो सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा का नाम, सम्यक ज्ञान, श्रद्धा पूर्वक सच्ची श्रद्धा होने पर जो वस्तु स्वरूप का ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान, और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक आत्मलीनता की अवस्था वो सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता। नहीं बस जब जब चारित्र की, अब इसी में धर्म लगा लो आप। अब धर्म कहां होगा? अब धर्म शरीर में होगा कि आत्मा में होगा? रत्नत्रय धर्म है ना, पर्याय रूप धर्म की बात करें तो रत्नत्रय धर्म है, और स्वभाव धर्म की बात करें तो वस्तु स्वभाव धर्म है। हर वस्तु का अपना अपना धर्म है, हर वस्तु अपने स्वभाव से धर्मात्मा है। कल आपने पूछा था ना, जैसे घर पे माने वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भी प्रभावित नहीं होता। जैसे अग्नि की उष्णता, पानी की शीतलता, मिश्री का मीठापन, नमक का खारापन, ये स्वभाव है। इसमें भी बड़ा आश्चर्य होता है जब हम पूछते हैं कि आप जानते हो मिश्री कैसी होती है, मिश्री का कैसा स्वभाव है, तो आप फटाफट बोलते हैं मीठा, और हम पूछते हैं नमक का कैसा स्वभाव है, बोले खारा। आप से यदि हम पूछते हैं कि नींबू का कैसा स्वभाव है तो कहते हैं खट्टा, और जब हम पूछते हैं आत्मा का कैसा स्वभाव है तो पता नहीं। सब सबके स्वभाव की खबर है हमारे को, कौन सी चीज कैसी है, किसका टेस्ट कैसा है, किसका स्वभाव कैसा है, और कोई अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। लेकिन जब आत्मा के स्वभाव की बात चलती है तो कहते हैं हमें क्या पता, क्या आत्मा की बातें तो साहब अपनी बातें। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है मेरे को, जब कभी आत्मा की चर्चा चलती है तो लोग पता नहीं क्या समझने लगते हैं। वह हम ट्रेन में आ रहे थे, मैं फादर हम लोग चर्चा कर रहे थे आत्मा के बारे में, वस्तु स्वभाव के बारे में ऐसी चर्चा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद में जब हमारी चर्चा रुक गई तो हमारे पास में जो बैठे थे उन्होंने हमसे कहा कि भाई साहब आप लोग आत्माओं की बातें करते हो, आप लोगों को डर नहीं लगता क्या? आत्मा की बात मतलब ऐसे लगता है जैसे भूत प्रेत की बात। आत्मा मतलब क्या है? हमारे घर में एक व्यक्ति आए और हमने उनको कमरा बतला दिया कि आप यहाँ रुकिए, आपको रात को डर तो नहीं लगता? नहीं, कोई डर नहीं लगता। वैसे डरने की कोई बात नहीं, हमारे यहाँ चार आत्माएं हुई। कि चार आत्माएं कौन कौन? मैं, वाइफ, मदर, फादर, हम चार लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। हम भी तो आत्माएं भाई, हम भी तो जीव हैं, लेकिन हम आत्माएं इस बात की खबर ही नहीं। आत्मा का मतलब तो ऐसे समझते हैं पता नहीं किसकी चर्चा चल रही है, आत्मा माने पता नहीं कौन है, ऐसा ही समझते हैं लोग। देखो आत्मा आप कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ लो, कहीं मैगजीन में पढ़ लो, कहीं टीवी में कहीं चर्चा चल रही हो आत्मा के बारे में, आत्मा मतलब तो कोई ऊपर की चीज कोई ऐसी। भैया आत्मा कोई और नहीं है, आत्मा मैं स्वयं हूं, मेरा मूल स्वरूप जो है मैं स्वयं जीव तत्व हूं, जीव कहें चाहे आत्मा कहें एक ही बात है। तो अपने स्वभाव की जिसे खबर होवे फिर वो शरीर आदि की तरफ दृष्टि नहीं देता, या समझ लीजिए शरीर की तरफ से निश्चिंत हो जाए तो उपयोग आत्मा की तरफ चला जाता है। जैसे देखिए हमारे घर में बहुत बड़ा काम है, फंक्शन है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी जिम्मेदारी किसी और को दे देते हैं, क्योंकि अकेले ही सारी जिम्मेदारी अपने माथे पर रखेंगे तो क्या होगा। और जो जिम्मेदारी हमने किसी योग्य व्यक्ति के कंधों पर दे दी है फिर हम उस कार्य को करने से निश्चिंत हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? योग्य व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति, उसको कह दिया अब पैसा वो उसका क्या होगा, वो लोग आएंगे तो ये मिठाई वगैरह बाजार से वो लेकर के आने, नहीं नहीं तो चिंता मत करिए उसके पास में, अभी दिमाग मत लगाओ, दूसरे बहुत काम है अपने पास में, उनको कह दिया ना वो कर लेंगे सारी व्यवस्था, तो अपन कितना निश्चिंत हो जाते हैं। ऐसे ही जिनागम में इस कर्म थ्योरी के अंतर्गत आचार्य देव हमारे को निश्चिंत कर रहे हैं कि भैया तुम्हारे पास में जो जो काम थे ना, ये क्या क्या काम थे तुम्हारे पास में, ये साहब मेरा ज्ञान बहुत बढ़ना चाहिए, नॉलेज बहुत बढ़नी चाहिए, ज्ञान का विकास होना चाहिए, कि तू दिमाग हटा, ये जिम्मेदारी क्षयोक्षम के पास में छोड़ दी, ज्ञानवर्णी के पास में ये व्यवस्था, वो सब व्यवस्था देख लेगा, तो तू अपने ज्ञान को बढ़ाने में मत लगा,
तो पुरुषार्थ किधर लगाना है कि साहब दर्शन में उपयोग लगाऊं, दर्शन दिमाग उधर भी मत लगा, ऐसे ही आयु कर्म के संदर्भ में कि साहब मर जाऊंगा तो, मर जाता तो। देखो जीवन छूटने की कितनी घबराहट होती है इस व्यक्ति के हृदय में, बहुत तेज हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ तो खैर बहुत सावधानी से चलते हैं, रोड पर कोई भी व्यक्ति नहीं होता और स्टॉप लिखा है तो भी आप लोग रुकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में तो रोकने के लिए पुलिस वाले चौराहों पर खड़े रहते हैं, उसके बावजूद लोग रुकते नहीं है। बहुत तेज स्पीड से आती हुई गाड़ी हम रोड क्रॉस कर रहे हैं और हमारे बराबर में आकर के रुक गई, उसने रोक लिया एक इंच की दूरी पर, टच नहीं किया उसने, 15 मिनट तक हमारी धड़कन नहीं रुकती है नीचे से ऊपर तक। वो बातें उसको सुना दे, मर जाता तो, लग जाती तो, दिखता नहीं है क्या, देख के नहीं चला सकते क्या, अरे देख के तो चला है, तब तो टकराया नहीं। मैंने देखो क्या लगता है हमारे को, लगता है कि मर जाता तो क्या होता, देह छूट जाती तो क्या होता, आयु कर्म तुम्हारे को निश्चिंत कर रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, विकल्प करने की जरूरत नहीं है, मत लगाओ दिमाग, उपयोग मत लगाओ, सोचो ही मत आप कितना जीवन होगा, मर जाऊंगा तो ये हो जाएगा, तो दुर्घटना हो जाएगी, तो ये चीज जहरीली है और यहां मत जाना, यहां से गिर जाएगा, यहां से ये हो जाएगा, कितने विकल्पों से निश्चिंत कर दिया आयु कर्म ने हमारे को, ये तो निश्चिंत रहे, ये सारी व्यवस्था आयु कर्म के पास में है। ऐसे ही अब इससे सबसे बड़ी चिंता हमारे को, जिसके संबंध में सबसे ज्यादा विकल्प चलते थे वो कौन है, कि वो है शरीर। सुबह उठने से लेकर नहाना धोना, खाना पीना, जो कुछ भी प्रवृत्तियां होती है हमारे, नहलाना धुलाना, यहां तक कि कमाना भी, आजीविका भी, सोना जगना, सब कुछ किसके लिए होता है बतलाइए। आप रात्रि में यदि 8 घंटे विश्राम करते हैं, 8 घंटे यदि सोते हैं, तो किसके लिए सोते हैं, शरीर के लिए। सुबह उठ करके नहाते धोते हैं तो किसके लिए, खाते पीते हैं तो किसके लिए, सुंदर दिखने का प्रयास करते हैं तो किसके लिए, अच्छा पहनाते हैं तो किसके लिए, तेल मालिश करते हैं, पेस्ट करते हैं, जो भी प्रवृत्तियां होती है सब शरीर के लिए, और कमाते हैं तो किसके लिए, सब शरीर के लिए। तो 2400 घंटे हमारा जो उपयोग है, हमारी जो दृष्टि है, हमारा जो चिंतन है, हमारी जो सोच है, वो सारी के सारी सोच किधर जा रही है, शरीर के लिए। तो आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि भैया कुछ जिम्मेदारी दूसरों के माथे पर भी डालो, और दूसरे के माथे पर क्या डालनी है, ये प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि ये सारी व्यवस्थाएं और सारी जिम्मेदारियां संभाल रखी है, तो कर्तृत्व का अभिमान अपने सर से उतार दे, इस बोझे को अपने माथे पर से उतार दे, शरीर की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहे, और शरीर की तरफ से निश्चिंत होगा तो शरीर की तरफ अपना उपयोग जो दौड़ता है उसको वहां से हटाएगा, बचाएगा। जो उपयोग मेरा शरीर की तरफ भागता है ना, वो उपयोग कब बचाऊंगा मैं बताओ, मेरा उपयोग शरीर की तरफ कब नहीं जाएगा, जब मुझे पता है कि मैं बिना मतलब कर रहा हूं, ये काम अपने आप ही हो जाएगा। जब जिम्मेदारी किसी और ने संभाल रखी है तो अपने को फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसकी जिम्मेदारी किसने संभाल रखी है, कि नाम कर्म ने संभाल रखी है। तो आप टेंशन मत लो, घबराओ मत, आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं साहब, क्या हालत हो रही है पता नहीं आजकल तो शरीर, अरे इसकी अवस्था तो बिगड़नी ही है दिन प्रतिदिन। शरीर को आप कितना भी संभालने का प्रयास करो, दिन प्रतिदिन बिगड़नी ही है इसकी अवस्था। हमारे संभालने से संभलेगा नहीं, हमारे टिकाने से टिकेगा नहीं, हमारे रोकने से रुकेगा नहीं, बचाने से बचेगा नहीं, कैसी स्थिति है। और फिर भी पता होते हुए भी निरंतर लगा रहता है कि नहीं साहब कुछ भी हो, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी पड़ती है। आप कितना भी कह दो, क्या कोशिश ही नहीं करें क्या, करना तो पड़ता ही है साहब, आपके ऐसा कहने से क्या होगा, कि आप कितनी भी कोशिश करो लेकिन होगा तो वही जो होना है। आप लाख प्रयास कर लो लेकिन फिर भी बाल को काले से सफेद होने से रोक नहीं सकते आप, और कोशिश करते भी ये लोग, चेहरे पर जर्रियां पड़ना शुरू हो गया, अब क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऊपर से लगाएंगे, नहीं फिर क्या होगा, आप क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, जो कुछ भी लगाना हो आपको ऊपर से, नहीं उससे होगा क्या, कुछ भी नहीं होने वाला। जब अंदर ही से उदय इस प्रकार का है, उदय ही बदल गया है, तो आप बाहर से कितना भी प्रयास करते रहें इससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो नाम कर्म ने हमारे को निश्चिंत कर दिया, और नाम कर्म की वजह से हमारा उपयोग शरीर से हटा,
अब संयोगों से वेद नहीं कर हमने हटा दिया तो उपयोग कहां जाने लगा, अंदर ले जाने लगा। माने दृष्टि के स्वभाव सम्मुख करने के लिए इन कर्मों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। फिर देखिए नाम गोत्र कर्म। गोत्र कर्म क्या काम करता है, जैसे शरीर इन व्यवस्थाओं को देखता है ना शरीर संबंधी, ऐसे ही गोत्र कर्म के उदय से उच्च अवस्था और नीच अवस्था की प्राप्ति होती है। उच्च गोत्र और नीच गोत्र, उच्च कुल में जन्म लेना और नीच कुल में उत्पन्न होना, ये काम गोत्र कर्म का है। कैसे कुल में जन्म, अब देखिए ये भी जो है ना गोत्र कर्म, इसके संदर्भ में भी बड़ी विचित्र बातें चलती है। इसका स्वरूप क्या है गोत्र कर्म का, शांति है सब चिंतन करना इसके बारे में, ये गोत्र कर्म का स्वरूप क्या है, उच्च कुल और नीच कुल, ये कह करके क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव। जैन कुल में जन्म लिया हम लोगों ने तो हम लोग उच्च कुल वाले हो गए, और किसी ने अन्य हीन कुल में जन्म लिया तो हीन कुल वाला हो गया, तो उसके गोत्र कर्म का उदय जीवन में एक ही बार आएगा। गोत्र कर्म जीवन में एक ही बार बांधता है कि कई बार बांधता है, गोत्र कर्म तो लगातार बनता है ना, तो लगातार बनता है तो उदय भी लगातार आता होगा, लगातार बनता है तो हर समय अलग अलग बनता होगा सब, तो हर समय अलग अलग बनता होगा तो अलग अलग उदय भी आना चाहिए। कि एक बार जन्म से लेकर मरण तक हमने जैन कुल में जन्म ले लिया तो उच्च कुल उच्च गोत्र कर्म का उदय है, बस उच्च गोत्र वाले हैं अपन, तो नाम से है तो नाम कर्म के अंतर्गत आ गया, वो जो शरीर जो मिला था उच्च कुल हुआ है। तो क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव, गोत्र कर्म का क्या स्वरूप है वास्तव में, गोत्र कर्म का काम क्या है, उच्च कुल और नीच कुल तो कह दिया, और गोत्र कर्म के आश्रव की जो कारण बतलाए हैं उन कारणों के अंदर का है परात्म निंदा प्रशंसा सत सदगुणों छाधनों भावने से निचेर गोत्र से, पर की निंदा और आत्म प्रशंसा, पर आत्म निंदा प्रशंसा और सद असद गुणोच्छादनो भावने चे नीचेर गोत्रस्य, ये नीच गोत्र कर्म के आश्रव के कारण है। इसमें इस गोत्र कर्म की चर्चा करते हुए, नीच गोत्र कर्म की चर्चा करते हुए आपके सामने जो हाथों में जो पेज है इनमें आठ प्रकार बतलाए हैं और आठ प्रकार के मद की चर्चा की। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम रिद्धि तपो वपु, ये आठ मद ऐसे हैं जिन मदों के कारण ये नीच गोत्र कर्म को प्राप्त हो, नीच गोत्र मतलब हीन हो जाना, हीन होना। अब ये जो हीन हुआ है तो कैसे होगा कि ऊंचा दिखना चाहता है तो नीच हो जाता है, ऊंचा दिखना चाहता है मतलब अभिमान घमंड, मद मद मतलब क्या होता है घमंड, और वो घमंड शास्त्रों में आचार्यों ने आठ प्रकार से कहा है, तो यदि ये घमंड न करे तो उच्च नीच गोत्र की प्राप्ति न होगी, और घमंड करता है माने ऊंचा बड़ा दिखना चाहता है तो नीच गोत्र कर्म का बंधन होता है। जैसे देखो जो व्यक्ति जितना ऊंचाई पर चढ़ता है ना पहाड़ पर चढ़ा है, जब वो ऊपर से देखता है लोगों को तो नीचे चलती हुई गाड़ियां कितनी छोटी छोटी दिखाई देती है, नीचे चलने वाले लोग कितने कितने से दिखाई देने लगते हैं, तो वो नीचे वाले लोगों को छोटा समझता है। लेकिन वो इस बात को भूल जाता है कि जैसे मेरे को ये नीचे वाले लोग छोटे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही नीचे खड़े हुए व्यक्ति को भी मैं उतना ही छोटा दिख रहा हूं। माने ये जो अभिमान है समझिए आप, सरलता नहीं है तो ये नीच गोत्र कर्म के आश्रव का कारण है, और सरलता है वो उच्च गोत्र कर्म के आश्रव का कारण है। इन मदों से विपरीतता, जो जितना सरल होता है जिसमें जितने गुण होते हैं उसमें उतनी ही विनम्रता होती है, और जिसमें गुणों का जितना अभाव होता है वो उतना ही अकड़ करके चलता है। आंधी और तूफान के काल में वे वृक्ष जड़ से उखड़ जाया करते हैं जो झुकना नहीं जानते हैं, और जो वृक्ष आंधी तूफान के काल में झुक जाते हैं वे आंधी तूफान बंद होने के बाद में वापस खड़े हो जाते हैं। उसमें आता है करी विनय बहुगुण बड़े जन की ज्ञान का पावे उदा, किसमें उत्तम मार्दव धर्म के अर्घ में दस अक्षर पूजन विनय कर, विनय से ही प्राप्त करता है व्यक्ति। तो आठ प्रकार के मद से रहित विनय की बात यहां कर रहे हैं। एक बार एक
मटके के ऊपर, मटका घड़ा जानते, उसके ऊपर रखी हुई प्लेट ने, प्लेट रखी थी, उसने घड़े से कहा, प्लेट ने, कि घड़े भैया मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। कि क्यों नाराज हो? कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहती हूं फिर भी तुम मुझे प्यासा रखते हो, और जो कोई तुम्हारे पास में आता है तुम उसे जल से भर देते हो। तो घड़े ने कहा कि प्लेट बहना, जो कोई मेरे पास में आता है, मेरे पास में आता है थोड़ा सा झुकता है वो जल से भर जाता है, तुम हमेशा माथे पे ही बैठी रहती हो इसलिए कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाती है। जो माथे पर चढ़ करके रहता है तो वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है, और जो आएगा थोड़ा सा विनम्र होगा, थोड़ा सा झुकेगा, वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्राप्त कर लेगा। कई प्रकार के मद हैं, बहुत विस्तृत चर्चा है इन मदों के संदर्भ में, और काफी डिटेल उसकी की जा सकती है। अभी अपने पास में इतना पर्याप्त समय नहीं है कि अपन उन सब के बारे में चर्चा करें, लेकिन फिर भी ये जो मद हैं, जैसे जाति मद, कुल मद असली स्वरूप नहीं जानता। जाति कहते हैं माता के पक्ष को, और कुल कहते हैं पिता के पक्ष को। ऐसे बल, शारीरिक बल के ऊपर घमंड करता है, लेकिन शारीरिक स्थिति कैसी कब बिगड़ जाए, अच्छे अच्छे पहलवानों को देखा है, गामा पहलवान जैसे, नाम सुना आपने, चलती गाड़ी को रोक दिया करता था, लेकिन अंत समय में क्या दशा हुई इसकी। सिकंदर जैसे बलशाली सम्राट योद्धा, पता है सिकंदर का मरण कितने वर्ष की उम्र में हुआ था, हिस्ट्री पढ़ी किसी ने? 32 वर्ष की उम्र में मरण हो गया था उसका। विश्व विजय का सपना देखा था उसने, यूनान से निकला था और बहुत देशों को जीतता जीतता हिंदुस्तान के बहुत हिस्सों को उसने जीता था, वहां तक पहुंचा था वो, और कई साल लग गए थे उसको। 28 वर्ष की उम्र में निकला और 3-3.5 साल तक वो सिर्फ दौड़ता रहा, लूटमार मचाता रहा, जीतता रहा, और अपने आप को ये समझता रहा कि ये सब मेरे कंट्रोल में आदि ने। और फिर क्या हुआ अंत समय में, चेहरे पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ा सकता था। कैसे मद की बात करें हम, ऐसे ही रूप मद सुंदरता की बात, तप मद ज्ञान का मद, लाभ ऐश्वर्य, इन सभी प्रकार के मदों की यही चर्चा है। इसको पता ही नहीं है किस किस चीज के ऊपर तो घमंड कर लेता है। किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा प्रशंसा कर दी किसी चीज की, आपकी नहीं, आपकी नहीं, आपकी घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आपने घड़ी की प्रशंसा की है, लेकिन आपके तो बाल बहुत अच्छे हैं। अब प्रशंसा अपनी नहीं, बालों की प्रशंसा की है, और ये फूला नहीं समाता मूर्ख। देखो आपके दांत तो बहुत अच्छे हैं, दांत अच्छे हैं, दांतों का क्या भरोसा, दांत अच्छे हैं कि मैं अच्छा हूं, लेकिन बस वो 2 मिनट की प्रशंसा। और देखो आप जो 1 घंटे तक भगवान आत्मा के गीत गाए जाए और जो त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व की महिमा बतलाई जाए, तो इसे लगता नहीं है, घर जाकर के बात नहीं करता कि आज तो पंडित जी मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। पर कदाचित यदि ये कह दिया जाए कि आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, तो घर जाकर के 4 लोगों को बताता है आज तो प्रवचन में मेरी टी शर्ट। मतलब हमें इसमें कितनी तन्मयता है, और जब आत्मा की बात की जाती है तो वो तो मंदिर की बातें हैं, तो मंदिर की बातें, वो तो शास्त्रों की बातें हैं, उनमें क्या दम है। ये कह रहे हैं नीच गोत्र कर्म के संदर्भ में, जैन कुल में जन्म तो गोत्र है ही, लेकिन वास्तव में प्रवृत्ति अपेक्षा से बात है। सुनिए मेरी बात, देखिए हीन उच्च कुल में जन्म लेकर के भी यदि हीन कार्य करे तो उसे हीन ही समझना चाहिए, और हीन कुल में जन्म लेकर के भी उच्च कार्य करे तो उच्च गोत्र वाला समझना चाहिए। तो फिर इसमें गोत्र कर्म का क्या योगदान है कि कोई व्यक्ति पाप करे, चोरी करे, बेईमानी करे, तो नीच गोत्र वाला हो गया ना, तो उसके लिए वैसी परिस्थितियां क्रिएट होना ये आघातिया कर्म है, ये गोत्र कर्म का काम है। किसी व्यक्ति को भीख मांगनी पड़ रही है, किसी व्यक्ति को चोरी करनी पड़ रही है, चोरी भी ऐसे थोड़ी ना करता है हर व्यक्ति, कुछ परिस्थितियां रही होती, कुछ तो परिस्थितियां होती है कि जिन परिस्थितियों के कारण उसे चुराना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है, ऐसी परिस्थितियां उसके सामने क्रिएट होवे, ऐसे नौकर्म वो गोत्र कर्म के उदय से मिलते हैं, और उस गोत्र कर्म के उदय में ही जब चोरी करता है, 3 परिणाम होते हैं इसके,
तो ये उच्च कुल में जन्म लेकर के भी नीच गोत्र वाला कहलाता है, चोर है ये, हीन गोत्र वाला है। जाति और कुल का संबंध तो देखिए, जाति की चर्चा तो एक तो नाम कर्म रूप जाति की चर्चा की है, जिसमें जैन परंपरा में एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पंच इंद्री जाति की चर्चा की है। वही असली जाति है, वास्तव में हम सब पंच इंद्री जाति के हैं। मैंने एक दिन उसकी चर्चा की थी ना, संग्रह नए की जाति का समानता के आधार पर, अपन ने दूसरी जगह की थी, यहाँ नहीं। तो जाति का मतलब है कि अपने को असली जाति की भी खबर नहीं है, अपनी जाति का घमंड करता है, हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारे चाचा जी तो था गजब, और मामा जी तो हमारे कलेक्टर थे, वहां के मिनिस्टर थे, अरे तो मामा जी थे, तू क्या है, हम तो कुछ नहीं है, और बात उनकी करते हैं बिना ही मतलब का घमंड करते हैं। कोई दूसरा है तो उससे क्या लेना देना है, हम कौन है, हमारे कुल में तो, कौन से कुल की बात कर रहे हो आप, मारीची का कुल कोई खराब था क्या, पता है मारीची का फैमिली बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग था, सॉलिड था, जानते हैं आप कौन था मारीची, मारीची के पिता चक्रवर्ती थे, मारीच के चाचा जी कामदेव थे, मारीच के जो दादाजी थे वो तीर्थंकर थे, और दादाजी के भी जो पिताजी थे वो अंतिम कुलकर थे, मारीच के जो भाई वगैरह थे वो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले थे, मारीच के दूसरे चाचा जी थे वो सबसे पहले मोक्ष जाने वाले थे, मोक्ष गए थे अनंत वीर्य, मारीच के दूसरे चाचा जी वगैरह थे वो गणधर थे, वृषभ सेन वगैरह, उसके 923 भाई तो ऐसे थे जो निगोद से निकले थे और उसी भाव से मोक्ष चले गए थे, और फिर भी क्या किया बतलाओ उसने, समावशरण के बाहर निकल करके ऋषभ देव स्वामी का विरोध करने लगा, नीच गोत्र कर्म बांध भी रहा है, नीच गोत्र कर्म, और उदय भी वैसा ही चल रहा है उसका, खोटा उदय चल रहा है और खोटा ही कर्म बांध रहा है। तो इस तरह से बहुत सावधान रहने की जरूरत है, दूसरों की निंदा करते समय, अपनी प्रशंसा करते समय नीच आयु नीच गोत्र कर्म को बांध रहे हैं आप, इसलिए कभी दूसरे की निंदा नहीं हुई। सब सावधानी व्यवहारिक दृष्टि से देखे तो कितना अपने जीवन को निर्मल बनाने वाली चीजें हैं ये सब, मतलब यदि इस कर्म फिलॉसफी को भी यदि ये जान ले व्यक्ति तो इसका जीवन कितना पवित्र हो सकता है, निर्मल हो सकता है, लेकिन कर्मों को भी तो नहीं जानता, ये कोई निश्चय की बातें नहीं है, ये कोई शुद्ध आत्मा की बात नहीं है, और ये इन बातों से कुछ अपने वास्तविक प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी ऐसा भी नहीं है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से जीवन कैसा होना चाहिए वो जीवन जीने का हमारे को एक क्राइटेरिया और एक गाइडलाइन तो मिलती ही है इन कर्मों को जानने से, कैसा होना चाहिए, अच्छा व्यक्ति कौन होता है दुनिया में, अपने आप की प्रशंसा नहीं करे, और इसको तो अपने आप की प्रशंसा सुहाती है, दूसरे की निंदा करते समय तो इसका चेहरा मुरझाता रहता है, और जब इसकी अपनी प्रशंसा की बात आती है तो कान खड़े हो जाते। आप सोचिए दीवार के पीछे भी यदि कोई बात चल रही होवे और यदि अपना नाम सुनाई दे जाए तो रोक देता, ठहरना ठहरना, कोई कुछ कह रहा है। अब कोई व्यक्ति यदि ये कहे कि मुझे आपके बारे में एक बात कहनी है और फिर रुक जाएगी, नहीं नहीं छोड़ो, नहीं बताओ ना क्या बात थी, माने उसको जानने की कितनी जिज्ञासा रहती है हमारे हृदय में, कह रहे हैं भैया आत्म प्रशंसा सुनना ये नीच गोत्र कर्म का कारण है, इसलिए नीच गोत्र कर्म से यदि बचना हो तो आत्म प्रशंसा से बचो, और आत्म प्रशंसा ही यदि आपको चाहिए हो तो असली आत्म प्रशंसा होनी चाहिए, अपने स्वरूप को जाने बिना आत्म प्रशंसा होती नहीं है, और देह के स्वरूप का नाम आत्म प्रशंसा है नहीं, ये शरीर के स्वरूप को समझ करके समझता है कि आत्म प्रशंसा चल रही, मेरी प्रशंसा हो रही, मेरी प्रशंसा हो रही, मैं कितना सुंदर दिखता हूं, मैं कितना गोरा दिखता हूं, अरे इस चमड़े में क्या दम है बताओ मेरे को, और तो और मुनिराजों को देख करके, व्रतियों को देख करके उनके अच्छे बुरेपन की जो पहचान है वो इस शरीर से करने लगता है। देखिए मैं आपसे पूछता हूं, एक पिता के पास में 2 करोड़ रुपए थे, 2 करोड़ की संपत्ति थी, और 2 करोड़ की संपत्ति को उसको अपने 2 बेटों में बांटना था, तो उसने 2 करोड़ की सारी संपत्ति को बेच करके कुछ हीरे ले लिए, डायमंड ले लिए, और उन डायमंड्स को उसने बिल्कुल बराबर बराबर 2 भागों में बांट दिया, एक में 1 करोड़ के हीरे, दूसरे में 1 करोड़ के हीरे। अब जो लेकिन 2 हिस्सों में बांटा तो सही उसने, लेकिन उसके पास में क्योंकि वो बाजार से लाया था तो थैली एक ही थी, तो एक थैली में 1 करोड़ के हीरे भर दिए, अब दूसरी कुछ थैली नहीं थी तो कागज की पुड़िया में बांध दिए कि प्लास्टिक की थैली में रख दिए। अब इनमें से
जो ये बहुत सुंदर अच्छी थैली है जिसमें 1 करोड़ के हीरे हैं, और दूसरी थैली जो प्लास्टिक की है जो बाहर से गंदी दिख रही है, इन दोनों में से यदि आपको चुनाव करना पड़े तो आप कौन सी थैली को चुनोगे? दोनों एक जैसी है, क्या फर्क पड़ रहा है? 1 करोड़ है दोनों में, है बाहरी थैली से क्या फर्क पड़ता है? समझदार अच्छा व्यक्ति जो है, समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, वो उस थैली के लिए झगड़ेगा। ऊपर की थैली में क्या दम है? एक सुंदर दिख रही है, एक बदसूरत दिख रही है। असली जो पारखी लोग होते हैं वो ऊपर की चीज नहीं देखते, असली पारखी लोग पैकिंग नहीं देखते, माल देखते हैं। आप बाजार से चीज खरीद करके लाते हैं, वो पैकिंग देख करके लाते हैं कि माल देख करके लाते हैं? कि वहां तो सब होशियार हैं कि पूछा कि क्यों बेटा ये गंदी, अरे क्या फर्क पड़ता है, गंदी है तो अंदर की चीज तो माल। तो ऐसे ही हम कह रहे हैं भैया, ये जो ऊपर से दिखाई दे रही है ये थैली शरीर वाली, इस थैली के भीतर अनंत गुणों वाला गायक भगवान आत्मा बैठा है। तो जो समझदार लोग होते हैं वो बाहर के शरीर से नहीं देखते, रंग रूप से नहीं देखते, आकृति से नहीं देखते, मोटे पतले से नहीं देखते, इनका कितना वजन है और ये कितने स्लिम दिखते हैं, ये कितने सुंदर दिखते हैं, अरे इनके मुंह में तो दांत ही नहीं है, ए बेकार, इन महाराज से तो हम सुनेंगे नहीं, इनके दांत ही नहीं, इनके सर में बाल ही नहीं है, हमको तो अच्छे नहीं लगते। उनके सामने बैठे बैठे 1.5 घंटे तक इनकी शक्ल देखते रहे, मुझे शक्ल ही अच्छी नहीं लगती। अरे भैया, अंदर में जो गुण मौजूद है उन गुणों से पहचान करो। अंदर में जो भगवान गायक तत्व है, अनंत गुणों की थैली वो उनके भीतर में मौजूद है, वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो लक्ष्य में लेने योग्य है। तो इसलिए प्रशंसा भी असली गुणों के आधार पर हो, और निंदा भी यदि करनी हो तो असली निंदा हो। लेकिन न तो हम निंदा का स्वरूप जानते हैं, न हम प्रशंसा का स्वरूप जानते हैं। आत्मगुणों के आधार पर की गई प्रशंसा ही वास्तविक प्रशंसा है, और रागादि विकारी भावों की निंदा ही वास्तविक निंदा है। न तो हम रागादि की निंदा करते हैं, न आत्मा की प्रशंसा करते हैं। तो गोत्र कर्म ने हमारे को इस संबंध में निश्चिंत कर दिया कि भैया तुम उससे दृष्टि हटा लो, न दूसरे की निंदा, दूसरे को देखना ही नहीं, क्या बात करें। फिर अंतिम अंतराय कर्म। अंतराय कर्म क्या काम करता है? विघ्न करणम अंतरायस्य, बड़ा गजब है स्वरूप इसका, अंतराय का। दूसरों पर दोषारोपण करते रहते हैं, दूसरों पर उंगली उठाते रहते हैं, इसने ऐसा कर दिया और इसने ऐसा कर दिया, अरे नहीं साहब ये तो इन्होंने ऐसा किया है हमारे साथ में, हमारा ये जो काम नहीं हुआ है इसके पीछे यही कारण है। क्या पागलपन की बात कर रहा है, तेरा अंतराय कर्म कारण है तेरे काम नहीं होने के पीछे, किसी और का किया हुआ नहीं है। स्वयं ने जैसा अंतराय कर्म बांधा था वैसा ही उदय में आता है क्या? किसी दूसरे का कर्ता धर्तापन बिल्कुल नहीं है, किसी दूसरे का कर्तृत्व उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, क्या कह रहे हैं, जिस कर्म के उदय से सभी कामों में बाधा उत्पन्न हो उसे अंतराय कर्म कहते हैं। किस किस काम में बाधा उत्पन्न हो? कि दान देने में, लाभ में, भोग में, उपभोग में, वीर्य में। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, 5 प्रकार के साधन बतलाए, और भी हैं प्रकारांतर से, और भी हो सकते हैं। कभी कभी आपने ऐसा महसूस किया, एक बहुत बड़ा लाभ हमारे को होने वाला था, ऐसा व्यक्ति हमारे को मिल गया, ऐसा क्लाइंट आ गया जो करोड़ों रुपयों का सामान खरीदने वाला था और उसमें लाखों रुपयों का प्रॉफिट हमारे को होने वाला था, लाखों डॉलर का प्रॉफिट होने वाला था, तो मजा आ जाएगा आप तो। और बिल्कुल डील फाइनल होने वाली थी और लास्ट मोमेंट पर जाकर के वो कैंसिल हो गई। लगता है क्या चक्कर है, किसी ना किसी ने तो इनको भड़काया है, जब ये तो बिल्कुल फाइनल ही था, फाइनली जवाब दे गए थे। लेकिन भाई साहब, कौन भड़काने वाला है, कौन अटकाने वाला है, कौन किसके काम को अटकाता है? अपने ही अंतराय कर्म का उदय है। दान देने में अंतराय, दान देना चाहें और दानांतराय कर्म का उदय हुए तो दान नहीं दे पाए। आप दान देना चाहते हैं लेकिन लेने वाला नहीं मिलता है, पैसे हाथ के हाथ में धरे रह जाते हैं। बहुत भावना करके गए थे कि शिखर जी में जाएंगे और इतना पैसा दान में देकर के आएंगे, और लेकर के गए थे साथ में, और पता नहीं क्या हुआ कि काम में उलझे रहे, सोचते रहे कि अभी रसीद बना लेंगे, अभी जाएंगे, और वो पैसे ही वापस लौट करके आ गए, दान ही नहीं दे सके। होता है ऐसा, ऐसे लाभांतर आए, भोगांतर आए, खाना खाने के लिए बैठे और एकदम अंतराय, उठ करके जाना पड़ेगा। ये अंतराय मुनिराजों के जीवन में नहीं होता है, ये हमारे जीवन में भी होता है, निरंतर चलता रहता है ऐसी परिस्थितियां। और क्यों होती है? कि दूसरे के काम में हमने टांग अड़ाई थी,
हम दूसरे के कामों में टांग अड़ाते हैं तो ये अंतराय कर्म अपने काम में टांग अड़ाता है, ये तुम्हारे काम नहीं होने देगा, फल तो मिलेगा। दान देने में, लाभ में, भोग और उपभोग में क्या अंतर है? वन टाइम यूज में लिया जाए वो भोग, और बार बार यूज में लिया जाए वो उपभोग। भोजन आदि सामग्रियां हैं, ये सब क्या है? भोग के साधन है, समझिए इत्र है, साबुन है, पेस्ट है, ये सब सिंगल टाइम यूज होती है, तो ये सब भोग है। और उपभोग में क्या चीज आएगी? कपड़े हैं, गहने हैं, गाड़ी है, मकान है, ये सब उपभोग के साधन है। तो भोग में भी अंतर आए और उपभोग में भी अंतर आए। बहुत शौक से कोई चीज बनवाई और जब उसको खाने का अवसर आया तो खा ही नहीं सका, होता है ऐसी परिस्थितियां बनती है। अब हम दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहे, तो अंतराय कर्म के ज्ञान से हमारे को ये बात ख्याल में आती है कि दूसरे पर दोषारोपण नहीं करें, दूसरे पर ब्लेम नहीं करें, दूसरे की कमियां नहीं देखें। अपने ही अंतराय कर्म का उदय है, अपने ही लाभांतराय कर्म का उदय है। अपनी जॉब छूट गई, किसी व्यक्ति ने जॉब से निकाल दिया, अपने बिजनेस के अंदर लॉस हो गया, इन सब चीजों में लाभांतराय कर्म का उदय निमित्त दिखाई देता है। और इसके जो बंध के जो कारण बतलाए हैं, पांच प्रकार बतलाए हैं, ये वही प्रकार है। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य में अंतराय डालने से इसका बंध होता है। और फल के भी पांच ही प्रकार हैं। इसकी परिभाषा में ऊपर कहा था, जिस कर्म के उदय से सभी कामों में बाधा उत्पन्न हो उसे अंतराय कर्म कहते हैं। जैसे राजा की आज्ञा होने पर भी भंडारी दान प्राप्ति में बाधक है। बहुत बार ऐसा आपने अनुभव किया होगा, हम ही कर देते हैं ऐसा, क्या जरूरत थी, कह देते अब आपका कुछ लेना देना नहीं है। जैसे मान लीजिए कहीं घोषणा हो रही है, कहीं बोली लग रही है, कहीं छत्र के लिए, चमर के लिए, कहीं प्रतिमा विराजमान के लिए, कहीं मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में, हमारे कोई मित्र भी है और उन्होंने $1,000-$2,000 की कोई बोली ले ली है, $5,000 की उन्होंने कोई घोषणा कर दी है। और फिर हम उनको कहते हैं कि यार क्या जरूरत थी यार, यहाँ तो सब वैसे ही पैसा बहुत आता है, तुम भी क्या बिना ही मतलब दे दिया तुमने। हमें ऐसे लगता है कि हम जैसे उसकी भलाई का काम कर रहे हैं, उसे भी लगता है कि हमारा कितना अच्छा मित्र है, हमारे बारे में सोचता है। ये क्या सोच रहा है, अंतराय कर्म बांध रहा है बिना मतलब दूसरे व्यक्ति से इस तरह की बात कह करके। दान देने वाले की प्रशंसा नहीं करके दान देने वाले के परिणामों में शिथिलता ला रहा है, और तेरे इस बात को सुनकर के हो सकता है उसके मन में ये आ जाए कि हाँ यार गलती दे दिया मैंने। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ घोषणा चल रही है और इसने घोषणा कर दी 5 लाख की, अभी बाद में चला कि 5 की जगह 2 देते तब भी चल जाता काम, अपन ने जबरदस्ती 5 दे दिए। तो तू ऐसे अंतराय कर्म को बांध रहा है धार्मिक कार्यों में इस तरह से सोच करके। तो यदि इसी संबंध में प्रशंसा करता है, अनुमोदना करता है, तो उस अनुमोदना का फल तुझे मिल सकता है। अरे आहार दान की अनुमोदना के संदर्भ में चारों जानवरों की बात आती, सुअर आदि जो वो थे, नेवला सुअर वगैरह, आहार की प्रशंसा की, आगे जाकर के सब पुण्यात्मा जीव हुए परभव में जाकर। हम नहीं दे पा रहे हैं, देने की शक्ति नहीं है, देने की सामर्थ्य नहीं है, हम कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन करने वाले की कम से कम अनुमोदना तो करें, करने वाले की कम से कम प्रशंसा तो करें। ये तो हमारे माध्यम से हो सकता है कि नहीं? ऐसी सूक्ति चलती, वचने किम दरिद्रता, वचनों में दरिद्रता का क्या काम है, बोलने में कंजूसी का क्या काम है, बिल्कुल कंजूसी नहीं। आप उत्तम परिणाम रखें, उज्जवल परिणाम रखें, स्वभाव सन्मुख हुए और स्वभाव सन्मुख रहने वालों की प्रशंसा करें, आत्म आराधना करें, और नहीं कर पा रहे हो तो करने वालों की प्रशंसा करें और भावना भाएं कि कब ऐसा अवसर आएगा कि मैं ये कार्य कर सकूंगा। ये सब जितनी चर्चाएं कर्मों के संदर्भ में की गई है, ये सब निमित्त की अपेक्षा से चर्चाएं की गई है। ये कर्म कोई भी इस जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है, पराधीन करने में समर्थ नहीं है, परतंत्र करने में समर्थ नहीं है, बांधने में समर्थ नहीं है, रुलाने में समर्थ नहीं है। ये जीव स्वयं ही कर्मों के पराधीन होकर के दुख उठाता है। यदि कर्म विकार कराए मुझे तो कर्माधीन में हो जाऊं, आधीन हो जाएगा, परतंत्र पराधीन हो जाएगा। इसलिए भैया उससे दृष्टि हटाएं, स्वभाव की स्वाधीनता को जाने, कर्म के उदय के अनुसार काम होते हैं तो हम उदय को की तरफ भी दृष्टि न देवें और कर्म बांधने की तरफ भी दृष्टि नहीं देवें। क्योंकि क्या है, जैसे अपन ने कर्म के उदय संबंधी बहुत सारी बातें की ना, तो फिर ये व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है तो फिर साहब एक काम करते हैं, फिर तो हमें बतलाओ पुण्य कैसे बांधे, पुण्य से वेदनी कर्म बंधेगा, नाम कर्म शुभ कैसे बंधे, उच्च गोत्र कर्म कैसे बंधे,
शुभ आयु कर्म कैसे बंधे, ये इधर दिमाग लगाता रहता है बिना मतलब। हम ये कह रहे हैं कि तू उधर दिमाग लगाना बंद कर और अपने उपयोग को वहां से हटाकर अपने स्वभाव में केंद्रित कर। तो जो अपने उपयोग को अपने स्वभाव में केंद्रित करेगा निश्चित रूप से उसका आत्म कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा, उसका मनुष्य जन्म सफल और सार्थक होगा। इन कर्मों से भी दृष्टि हटाकर, देखो संयोगों से दृष्टि हटाने के लिए कर्मों ने योगदान प्रदान किया, माने कर्मों का योगदान कम से कम इतना तो है, इतनी मात्रा में तो है कि हमारी दृष्टि और हमारा उपयोग कर्मों की तरफ से हट जाए, नौ कर्म की तरफ से हट जाए। और फिर इन कर्मों की चर्चा करते हुए भी जब स्वभाव सामर्थ्य का पता लगता है तो दृष्टि कर्म से भी हट जाती है और अपने स्वभाव की तरफ आती है। ये दृष्टि स्वभाव की तरफ आने पर कैसा फल मिलता है, दृष्टि स्वभाव की तरफ कैसे आती है और स्वभाव की तरफ किस प्रकार लाया जा सकता है, इन सब बातों के संदर्भ में हम कल चर्चा करेंगे। आज की बात यही। के ज्ञान से सूझे लोकारो सोवानी मस्तक नमो सदा दे। Next Sunday.